بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

अल्लाह ने हमें कामिल दीन दिया इस कामिल दीन के अलावा कोई और दीन अल्लाह के यहाँ काबले कबूल नहीं इस इजरा के लिए आखिर वो कहा, कहा, कहा इस्लाम को समझे जो नबी करीम सलम लेकर के आए थे मुझे क्या पता कि यह अली मदत और यह अल्लाह मदत में क्या फर्क है नहीं जानता था मैं और जब मैंने तकलीफ के पर्दे को तोड़ा और जंगार उतार दिया तो मुझे रसूल का माना भी उस वक्त मौजूद है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो कब्र उसको एक मरतबा जरूर दबाती है कब्रों के अंदर कल दिखाते हैं किसी को अलाप देते हैं किसी को इज्जत देते हैं किसी की मुश्किल डालते हैं किसी के गम दूर करते हैं किसी को शिक्षा दे अपना लो अल्लाह के पास कामयाब हो जाओगे

अबू बकर जिस तरह अल्लाह मेरे साथ है उसी तरह अल्लाह तेरे साथ है जिस तरह इस वक्त अल्लाह की मदद मेरे साथ है उसी तरह अल्लाह की मदद तेरे साथ है जिस तरह इस वक्त अल्लाह ताला मुझको बचाएगा तुझको भी बचाएगा तमाम पेड़ों को जला के अपने हाथों से तमाम पेड़ों को जला के अपने हाथों से अजीब शख्स है साया तलाश करता है टेलीविजन का मुकम्मल नक्शा और सही बुखारी मुस्लिम सोनन अरबा समेत दाखिल की जा रही है इस्ते का नाम लेकर कहाानत को फरोख दिया जा रहा है एक तस्वीर इस्तारा चलता है आजकल तस्बी इस्तार लंबी सी माला पकड़ लो एक दाने पे हाँ एक पे ना एक पे हाँ एक पे ना एक पे हाँ एक पे ना आखिरी हाँ तो काम ठीक है ना हो गया, तो गया। एक चैनल है जिस पर करने के लिए बैठी। तो कहते, अपनी अपनी बोतल खोल लो वो ढक्कन खोल लेते ये दम करके स्पीकर में फूका ढक्कन खुले में हर बोतल के अंदर इनकी फूक पहुंच गई मामला जमाना तरक्की कर रहा है

चौदह से ज़्यादा प्रोग्राम से अल्लाह तबारक तला ने जो है हम हिंदुस्तानी और बंगलादेशी पाकिस्तानी भाइयों के अकीदे दुरुस्त होते हैं और उनको अल्लाह हिदायत दिया है तो हम चाहते हैं कि हर हर साल इसी तरह अल्लाह त ये प्रोग्राम करवाता है से आप क्या सीख रहे हैं हमें जरा बताइए यहाँ से ये सबक मिलता है कि हमको अपने रब की इताअत करनी चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों को फैलाया है दीन के मुताबिक हमको उसी पर अमल करना आपकी कोशिशों की कदर करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि हुकूमत सऊदीया और गवर्नर अमीर मक्का और दाव जद्दा दावा सेंटर वालों को अल्लाह ताला और तौफीक अता फरमाए और इसका अजर अता फ़रमाए और इनकी कोशिशों को कामयाब फरमाए और हमेशा कायम और दायम रखे सेल्फी चैनल के लिए कुरान और सुन्नत पर मबरी पैगाम पहुँचाने के लिए ऐसा चैनल होना चाहिए और चाहिए कि जिनको अल्लाह ने तोद की दौलत बख्शी है सुन्नत का सुन्नत की समझ दी है ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने माल की कुर्बानी दें वक्त की कुर्बानी दें अपनी सलाहियतों को तो यहाँ आने वाला हर शख्स जो है अकायद और पे तोहेद पर अहमद साहब आपका कहाँ से ताल्लुक है मेरा हिंदुस्तान यूपी से ताल्लुक है दिल्ली के चीज़ें देखने को और सुनने को अभी मिली हैं जो कभी हम महसूस नहीं कर सकते थे और अभी हमको पता चला है कि काफी बिदत और शिरक ऐसे फैल रहा है आदमियों के जिसमे और जो महसूस ही नहीं हो रहा आदमियों आपका तो। नाम मोहम्मद साबिर साबिर मोहम्मद साहब कहाँ से ताल्लुक है मक्का साहब मक्का मुकरमा से तशरीफ लाए हैं दावा सेंटर जब दावा सेंटर का नाम सुना है आपने जी हाँ सुना किस तरह से सुना है अल्लाह दीन का इसमें बहुत अच्छा का काम हो रहा है और मेरा पहला इतफा है मैं यहाँ आया हूँ तला कर दे हमारे दवा सेंटर वालों को जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे इंतजाम किया हुआ है और हर आने वाला साल पहले से बेहतर प्रोग्राम हो रहा है और पब्लिक भी ज़्यादा आ रही है और इंतज़ाम में हर तरीके से बेहतरी आ रही है और ये अल्लाह ताला का लाखला करम है कि उसने हम और आप जैसे लोगों को चुन रखा है मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और यहाँ पर जो जद्दा दावा सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमको बहुत ही दीन और इस्लाम की सही तालीमात मालूम होती है हमारे उलमाए क्राम हमें सिखा रहे हैं हमें उम्मीद है कि इन जिस मकसद के लिए हम लोग निकले हैं उस मकसद तक हम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सबसे पहले तो हम जद्दा दावा सेंटर के ताल्लुक से ये ये जरूर कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और इन्हीं की वजह से हम जितने अपने अहबाब हैं दोस्त हैं हम आपस में एक दूसरे के साथ हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ खास तौर पर मैं बहुत खुश हूँ कि जदा दवा सेंटर के साथ मैं काम कर रहा हूँ और अल्लाह से यह दुआ करता हूँ कि हम मैं हर साल जदा दवा सेंटर के साथ बहुत अच्छा काम चल रहा है दिन में हिंदू पाकिस्तान के मुख्तफ कराम पहुँचते हैं बिले तारीफ़ हैं कि उन्होंने इस तारीखी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रात दिन जदो दुआ करते हैं, हैं।, करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम की ख़िदमत को कबूल फरमाए और जजाय खैर भाई आपका नाम क्या है <laughs> मेरा नाम मोहम्मद फजल है वालों के लिए जो उर्दू ज़ुबान वाले हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है जो अपने इलाक़े में जहाँ पे उर्दू बोली जाती है उस जगह वो तोहहीद ना सीख सके लेकिन यहाँ आके दावा सेंटर के जरिए अल्लाह ताला की तोफ़ी से वो किताब व सुन्नत तो को जान लिए इल्म उनके दिलों में आया अगर काश अल्लाह ताली इनकी ज़ुबानी इनके चेहरों को अल्लाह ताल अपने इलाक़ों में अगर नूर टी के ज़रिए बता दिया तो क्या ही खूब होगा कि वो लोगों के लिए एक हिदायत का ज़रिया बन जाए हमारे अखबान जिनके तसर आपने सुने

यानी इस्लामिक समर कैंप में इस अज़ीमुशान खेमे के अंदर जमा फरमाया है अल्लाह रब्लम से दुआ है कि हमें जिस तरह से यहाँ जमा फरमाया है इसी तरह से अल्लाह रब्लम हमें अपने अर्श के सये में भी जमा फरमाए हमारे इस इज्तम पर रहमतों का नज़ुल फरमाए और हमारे अमल और इल में इजाफ़ा फरमाए आमीन और रब्लमीन हज़रा इस अजीम्शान तारीखी समर फेस्टिवल में तमाम ज़िम्मेदारान कारकुनान और मतन की जानब से आपका अपने मेहमानों का अपने काबिल कदर कदरमाय कराम का इस्तबाल करते हुए खुश आमदीद कहते हैं पुरतपाक खैर मकदम करते हैं जिनके वजूद से कुरान और सुन्नत की शमें चारों तरफ रोशन हो रही हैं अल्लाह रबालमीन इन्हें जज़ाय खैर अत फ़रमाए ये नूर तोहेद का तारीखी दीनी इज्तम साहिब श्मूल मलकी अलमिर खालद अलफेसल आल सऊद हफी की जेर सरपरस्ती मनद हुआ है अल्लाह ताली गवर्नर मक्कुलमकरमा को जज़ाय खैर दे आपकी उम्र दराज़ फरमाएँ और कुरान और सन्नत के नशर वशात करने के मज़ीद मौाक़ इनायत फरमाए हजरात आज की इस शवा को रोशन करने वाले दिन रात दीन की ख़िदमत में, में मसरूफ़ जदवा सेंटर के जिम्मेदारान के ताउन से हम और आप यहाँ जमा हुए हैं और ये अल्लाह का फद्ल करम है कि जदवा सेंटर और इस नाचीज को मुसलसल चार सालों से अल्लाह ताला ने ये तोीक़ बख्शी है कि उर्दू जुबान बोलने वाले और समझने वाले अहल जद्दा कुर्ब जवार में बसने वाले शहरों के लोग सीडीज और कैस्ट्रो के जरिए पूरी दुनिया के लोग यहाँ होने वाले दुरुस्त से मुस्तफ हो रहे हैं जदावा सेंटर के जिम्मेदारान जदद सेंटर के ज़िम्मेदारान कोल्ह रब्लम जज़ायरत फरमाए हमारी इस काविश को हम सब की निजात का ज़रिया बनाए और ला रबालमीन हासिदों के हसद बद नज़रों की बुरी नज़र और शैतान के फ़रेब से हमें और हमारी टीम को महफूज फरमा लें ताकि हम बेहतर से बेहतर दीन की खिदमत मुस्कबिल में भी अंजाम दे सकें तो अलहमदिल्ला गुज्त साल आपने इसी खेमे में आ, वो तकरीरें सुनी थी फ़जाइल अमाल के बारे में और जमात इस्लामी के बारे में आज आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आज आप जब यहाँ से वापस लौटेंगे तो आपको फ्री एक कैसेट जो गुज्त साल जदा सेंटर की तरफ से यहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी फ़जाइल अमाल के बारे में वो सीडी आपको तहफे में शेख तोसिफ़रमान की तरफ से वो पेश की जाएगी तो जाने से पहले इशा की नमाज़ के बाद कोर्स आप लोग जब जाएंगे तब वो आपको दी जाएगी और मगरिब से ईशा का जो सेशन है वो आप तहरीरी तौर पर सवाल लिख कर तैयार कर लें ताकि हम उसको मगरब के फ़ौर बाद उसका आगाज़ करें अब मैं बिला तकल्लुफ़ बिला तोफ़ फ़जल शेख रहमान से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और ख़िताब का आगाज़ फरमाएँ आपका है गुनाह के असरात मुसलमान की ज़िंदगी पर بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون هربوا كام جو الله عز وجل كنا فرماني के ज़ुमरे में आता है गुनाह कहलाता है और जब इंसान गुनाह की हकीक़त को समझना चाहे तो वो याद कर ले कि मालिक अज्जा जल ने इंसान को पैदा किया है ये इंसान कभी जज्बात के, के हाथों मगलूब हो जाता है कभी शैतान इस पे हावी हो जाता है कभी बुरी ख्वाहिश इसको मालिक की नाफरमानी की तरफ़ ले जाती है और अगर ये तोबा कर लेता है तो अल्लाह रहमान और रहीम जात इसके गुनाह को माफ़ कर देती है लेकिन अगर ये अपने गुनाहों पर ख़ुशी का इधार करता है गुनाह करने के बाद नदामत नहीं होती शर्म नहीं आती खुशी होती है दोस्तों में उसका चर्चा करता है तो फिर ये गुनाह इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और कभी दुनिया की ज़िंदगी में ही इन गुनाहों की वजह से अल्लाह का आदाब भी आ जाता है गुनाह का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं लेकिन सारा ऐप तो ये है कि इंसान गुनाह करने के बाद फिर उस पर इसरार करता रहे गुनाह करने के बाद अल्लाह की तरफ रुजू ना करे तोबा ना करे बल्कि गुनाह पे गुनाह करता जाए ये इंसान के लिए हलाकत के दरवाजे खोल देती है वगरना अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है उसकी कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लम तुजनीबू अगर तुम गुनाह ना करो लजहब अल्लाह बिकुम, अल्लाह तुम्हें खत्म कर दे तुम्हारी जगह पे ऐसी कौम लेकर आए जो गुनाह भी करेंगे फिर अल्लाह से माफी मांगेंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा गुनाह हो जाने पर शर्मिंदगी का इजहार कीजिए मालिक की तरफ रुजू कीजिए अल्लाह से माफ़ी मांगिए रसूलुल्लाह वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खता। आदम के हर बेटे से गलती होती है गलती का पुतला है आदम के बेटे गलती के पुतले हैं लेकिन सुनिए सबसे बेहतर गलती करने वाला वो है जो इससे गलती हो जाए वो तोबा करके अल्लाह से माफ़ी का सामान करता है और जो तोबा करता है मालिक उनका बयान कैसे करता है, इदा जब हो जाता है ये गलती कर बैठते हैं अपनी जानों पर कर लेते हैं अल्लाह को याद करते हैं अल्लाह से माफी मांगते हैं माफियो का सवाल करते हैं अल्लाह इनके गुनाहों को माफ कर देता है न सिर्फ माफ कर देता है इनको अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलता है बदला क्या मिलता है इस्तगफार करने का माफी मांगने का अल्लाह की तरफ रुजू करने का वह अनहार वो बागात हैं वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं जिसमें ये हमेशा रहेंगे और ये बेहतरीन अचर है ये बेहतरीन बदला है इंसान गुनाह करता क्यों है गुनाहों के असबाब क्या है कभी तो इंसान अल्लाह की याद से काफिल हो जाता है अल्लाह की याद से काफिल होकर आजाब का डर इसके दिल से हट जाता है ये गुनाहों की तरफ आ जाता है लेकिन गुनाह करते वक्त याद रखिए एक मंजर बड़ा खतरनाक है आपने और मैंने अल्लाह के दरबार में पेश होना है और मालिक क्या फरमा रहा है वाला चुमना फुराजा अकेले ही आ गए तने तनहा आ गए शेख अब्दुल रसाक फरमा रहे थे वहां बाबा ग्यारह वाला लेकिन यहाँ रब क्या कहता है आ गए हमारे पास फुरादा, तनहा, ना झंडा ना काली झंडी ना कोई बाबा ना कोई चोले जहन्नम में मैं तो किया मेरा साया भी ना जाएगा गौसे पाक से ये देखा ना जाएगा और मालिक कह रहा है वोला चुम फुरादा हमारे पास अकेले आए हो क्या खलक ना अवल जैसे दुनिया में अकेले भेजा था तुम्हें अकेले उठाया है वो जो कहा करते थे हमारा उरस लगा लेना हमारी ग्यारहवीं दे देना तेरी कंड ते मेरा हाथ है फिक्र न कर मैं आपे न बेड़ लांगा वो कहा गए वो कहा गए जो कहा करते थे जहन्नम के किनारों पे हमारे बापे का खैमा होगा फरिश्ते जिन जिन को पकड़कर जहन्नम में ले जा रहे होंगे वो उनको छीन छीन के सिलसिले को जन्नत में भेज रहे कहता है, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है तुम अकेले कभी गुना होता है मौत की फिकर ना हो। आखरत की फिकर ना हो ये डर ना हो कि एक दिन आने वाला है जब अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा मालिक कि इसीलिए फरमाता है अहले ईमान अल्लाह से डर जाओ वल और याद करो देखो चेक करो डायरी को पढ़ो इक़रा किताबक नामा को देखो आने वाले कल के लिए क्या तैयारी की है ये कल जो क्यामत की सूरत में आने वाला है इसके लिए क्या तैयारी है इसके लिए क्या अमाल है? है जो मैंने और आपने इकट्ठे कर रखे शैतान इंसान पे गलबा पाता है और इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है इसीलिए मालिक फरमाता है, आदुव। तो है।, तो है सारों को पीछे लगाकर जहन्नम के अंदर ले जाए यह तो अपनी पार्टी को जहन्नम में ले जाना चाहता है यह तुम्हारा दुश्मन है इसके पीछे लगकर तुम भी अल्लाह की नाफरमानी ना करो कभी इंसान गुनाह करता है ख्वाहिशात के पीछे लगकर बुरे खयालत के पीछे लगकर नफ्स मारा के पीछे लगकर कभी इंसान गुनाह करता है बुरी सोहबत की वजह से जैसे लोग होंगे सिगरेट पीने वालों में बैठोगे तो सिगरेट ही पिलाएंगे पान खाने वालों में बैठोगे तो पानी खिलाएंगे गिपत करने वालों में बैठोगे तो गिपत ही करवाएंगे कब्रों पे सजदे करने वालों से यारी लगाओगे अजी मैं बड़ा पक्का माहिद हूं लेकिन आ, दीन और दोस्ती अलग अलग है यह हमारी दुनिया की महफिल है यह डॉक्टर है यह इंजीनियर है यह मेरे स्टेटस का है यह अलग बात है कि इसके हाथ में कड़ा है ये अलग बात है कि इसके यहाँ पर यह अली मदद का बैच लगा है ये दीन की बात दीन दुनिया अलग अलग है दुनिया की दोस्ती इनसे है दीन की दोस्ती किसी और से जैसी महफिल होती है इंसान उन्हीं के असर के अंदर डूबता जाता है इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक मजलिस नेक सोहबत जैसे खुशबू वाला या तुम खरीद लोगे या तुम्हें लगा देगा या कम अज कम खुशबू तो आएगी और बुरी मजलिस भट्टी चलाने वाला दाने भूनने वाला काला करेगा आपके आपके चेहरों को आपके कपड़ों को कपड़ों जलाएगा धुआं तो आपके ऊपर ही आएगा इन गुनाहों के नुकसान क्या हैं उम्मतें बर्बाद कर दी जाती हैं कौमों को सफा हस्ती से मिटा दिया जाता है इन गुनाहों की बिना पर जब अंबिया का पैगाम पहुंच जाए हुज्जत तमाम हो जाए पढ़कर सुना दिया जाए आयात दलाइल पूरे हो जाए कौम गुनाहों से बाज ना आए तो फिर मालिक की तरफ से अजाब का कोड़ा बरसता है नू का हाल हमें बताता है किस तरह अल्लाह की तरफ से हुज्जत तमाम हुई लेकिन जब अपने गुनाहों पर बाज ना आए वो कौम हो कौम हो लूत हो इनकी ये कौमें क्यों बर्बाद हुई हज्जत तमाम हो गई अल्लाह की तरफ से दलाइल आ गए

रखना किसी को समंदरों के अंदर दियाधर तो था लाच इधर क्यों ले गया कहा जो समंदर है ना इसको बाबा जी ने हाथ से थामा वा है लांच इधर कर लो अगे फिर खैर रहेंदी ना करो तो पुटी कर देता अभी बलोचिस्तान और सिंध में जो आजाब आ रहा है बाबा तुम्हारा खत्म पड़ने गया है। इस तूफान को बाबा क्यों नहीं रोकता ये का है के दरबार के साथ साथ मुदफराबाद की बस्ती को मुर्दों की बस्ती बना दे ये अजाब भेजने वाला अल्लाह है भेजता कब है जब कौम गुनाह के अंदर मुलस हो जाती है हजतें तमाम हो जाती है दावत उनको पहुंच जाती है गुनाहों की वजह से दिल स्याह हो जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मोमिन गुनाह करता है नुकी तटफी ही नुकी उसके दिल पे पर निशान लगता है तोबा कर ले अल्लाह उसको माफ कर देता है उसके दिल को पाक कर देता है साफ कर देता है और अगर वो तोबा नहीं करता ये उसका निशान ये स्याह दब्बा बढ़ता जाता है यहां तक के पूरा दिल काला हो जाता है गुनाह करने का नुकसान क्या है इंसान के दिल से अल्लाह की मोहब्बत खत्म हो जाती है जब वो गुनाह करता है आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों वाली जिंदगी पे चलता है अल्लाह उससे नाराज हो जाता है उसको परवाह नहीं होती वो कहता है मुझे पता है हया आल सलाह की आवाज़ तो आ रही है लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फाइनल मैच है जरा ये चेक कर लूँ नमाज खली वली बाद में देख लेंगे उसके दिल से मालिक की मोहब्बत निकल के कभी फिल्म की मोहब्बत कभी गाने की मोहब्बत कभी ड्रामे की मोहब्बत कभी क्रिकेट मैच की मोहब्बत और भूल जाता है कि एक मैच तेरा शैतान के साथ भी चल रहा है अगर उसने तुझे आउट कर दिया तो क्या कर लेगा जब इंसान गुनाहों की जिंदगी में आता है उसके दिल से अल्लाह की मोहब्बत खत्म होती है अल्लाह का खौफ खत्म हो जाता है अल्लाह की पकड़ अल्लाह के आभाव का डर उठ जाता है फिर दिल खोल कर करता है इसी तरह इंसान बेशरम हो जाता है गुनाह करने की वजह से क्योंकि अल्लाह मालिक ने इंसान के दिल के अंदर एक जज्बा रखा है जब गुनाह करता है वो जज्बा उसको मलामत करता है जिसे हम जमीर कहते हैं लेकिन जब गुनाह पे गुनाह करते जाएं फिर उसका जमीर मुर्दा हो जाता है इस गुनाहों की वजह से गुनाह से नफरत खत्म हो जाती है जिस तरह जिस तरह सही बुखारी में है रसूल ने फरमाया मोमिन अपने गुनाहों को इस तरह देखता है जैसे पहाड़ उसके ऊपर गिरने वाला है और मुनाफिक ऐसे देखता है जैसे नाक में मक्खी बैठी है जो जो गुनाह की जिंदगी में मुलवस होता है गुनाहों की नफरत खत्म हो जाती है और अगर किसी को गुनाहों से नफरत हो कभी सिगरेट की डब्बी जेब में डालेगा अभी जेब में डालता है जब मस्जिद में जाता है तो जूती में डालता है जब बाथरूम में जाता है मुंह में डाल लेता है कभी देखा किसी ने बाथरूम में बैठ के दूध पिया हो बाथरूम में के खाया हो, लेकिन ये अजीब बेवकूफ कौन है जो में के दुआएं कबूल नहीं होती सही मुस्लिम में है रसूल एक शख्स का कर जिक्र करते हैं जो बड़ा लंबा सफर करके आता है उसके बाल मट्टी से भरे हुए उसका चेहरा गर्द आलूद है उसके कपड़े मट्टी से भरे हुए हैं और वो आकर कहता है यौरब यौरब ऐ मेरे अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह सवाल कर रहा है मांग रहा है लेकिन उसकी दुआएं कबूल नहीं होती क्यों वह मत एम हराम वह मशरब हूँ हराम वह मलबस हूँ हराम फन्ना उसका तो खाना हराम का बैंक का ऑफिसर है बैंक में क्लर्क है बैंक में गनमैन है अपनी सारी पेंशन फिक्स डिपॉजिट पे रखी है सूद का कारोबार करता है खाना हराम का पीना हराम का गोश्त हराम का लिबास हराम का उसकी दुआ कैसे कबूल की जाएगी गुनाहों की वजह से दुआएं कबूल नहीं हुआ करती गुनाहों की वजह से रिजक में कमी हो जाती है बेबरकती हो जाती है इब्ने माजा में है वसल्लम फरमाते हैं जब इंसान गुनाह करता है गुनाहों की वजह से उसको उसके रिजक से महरूम कर दिया जाता है ये गुनाह हैं जो इंसान की जिंदगी को बेबरकती की तरफ ले जाते हैं गुनाहों की वजह से जिंदगी में अमन और सुकून बर्बाद हो जाता है मालिक फरमाता है वा मैं जो मेरे जिक्र से मेरी याद से गाफिल हो जाए फिर न लहू मैशन उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है वना शरूहू यू मुल वना शरूहू क्या मत के दिन उसको उठाया जाएगा अंधा अंधा करके उठाया जाएगा ये गुनाहों की वजह से इंसान की जिंदगी उसका अमन और सुकून बर्बाद हो जाता है इंसान ईमान और हदायत से दूर हो जाता है और जिस तरह एक शख्स गुनाह करता है उसका दिल स्याह होता है और जब गुनाह इजतमाही हालत में हो तो माशरे पर बर्बादी तारी हो जाती एक फर्द का गुनाह फर्द को बर्बाद करता है और जब ख्वाजा जी की चादर चलती है और उसके ऊपर नजराने दिए जाते हैं और ढोल पीट के सारा माशरा ही नाचता और गाता है तो पूरे माशरे के ऊपर अल्लाह का आवा मुसलत हो जाता है। मालिक बयान फरमाता है सागू असाग, असाग अल्लाह जब वो टेढ़े हुए अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया जब एक शख्स गुनाह की जिंदगी में आता है उसकी हलाकत है और जब पूरा माशरा कबर परस्ती में लग जाता है गुनाहों में लग जाता है उनके नजदीक गुना गुना ही नहीं रहता तो फिर मालिक कहता है, यहदिल अल्लाह ऐसे फासिकों को फिर हिदायत नहीं दिया करता वसाइल और खुशहाली से महरूमी होती है गुनाहों की वजह से कुरान बयान फरमाता है ईमान ले आते अल्लाह से डर जाते फिम बरा हम आसमान से बरकतों का नजूर करते आसमान से बरकतें उतरती ज़मीन से इनको अंगूरिया मिलती कज़बू इन्होंने वालिक की शरीयत को फाखना इनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ने इनको पकड़ लिया गुनाहों की वजह से जमीन और आसमान से आफतें उतरती है अल्लाह के आदाब आता है रसूल सल्लाह ने फरमाया फी उम्मी खिला रसूल का फरमान अपने घरों पर डिशीने की लानत लगाने वालों अपनी गाड़ियों में गानों के नए वालियम रखने वालों की तस्वीरों से कमरों को सजाने वालों बच्चियों का नाम इन्हीं के नाम पर रखने वालों अपना ताल्लुक इनसे जोड़ने वालों अपने रसूल का फरमान सुनना आपने फरमाया मेरी उम्मत में पत्थरों की बारिश होगी मेरी उम्मत में चेहरे मसक कर दिए जाएंगे मेरी उम्मत में जमीन फटेगी उम्मत को जमीन में धंसा दिया जाएगा

सास का आम रिवाज होगा शराब कसर से पी जाएगी अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को तोफी कथा फरमाए फिर हर सुनने वाले को गौर की फिक्र की अल्लाह तौफीक दे अपने गिरवानों में झांकी में से कितनों के घर में टेलीविजन है हम में से कितनों के घरों के अंदर डिश एंट्री और, और केबल की लालत है में से कितने घरों के अंदर सास की सीढ़ियां हैं फिल्मों की सीढ़ियां हैं गानों की सीढ़ियां हैं सारा घराना बैठकर ये इंडिया की फिल्म है ये पाकिस्तान की फिल्म है ये पंजाबी ड्रामा है ये सराय की ड्रामा है कितने हैं जो इसके मजे लेते हैं और रसूल क्या फरमाते हैं लोग अपने बिस्तरों पर होंगे इनके चेहरे मसख हो जाएंगे रसूल की बात झूठी हो सकती है लोग बिस्तरों पर होंगे इनके चेहरे मसख हो जाएंगे इन्हें बंदरों और खंजीरों की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा इनका सबब गाना बजाना और शराब पीना होगा जब ये आम हो जाए और अब तो कोई घर अल्लाह बचाए तो बचाए जो इस लानत से महफूज हो हर घर के अंदर सास गाना घर तो घर अल्लाह का घर बचता नहीं है जब वाल जेब में है और उसके अंदर लेटेस्ट इंग्लिश फिल्म का म्यूजिक भरा हुआ इंडियन फिल्म का सास और गाना भरा हुआ इधर इमाम कहता है अल्लाह अकबर इसकी जेब से गानों की आवाज शुरू हो जाती है अल्लाह का घर इन गानों और और बाजों से महफूज नहीं रहा अगर कोई हिंदू मस्जिद के दरवाजे पर बैठ के ढोल पीटे गैरतमंद मुसलमानों छोड़ दोगे बख्श दोगे उसे कहो कि हिंदू की जुर्रत अल्लाह के घर की तोहिन कर रहा है और जब तेरी जेब में से गाने की मौसीकी आती है तो क्या तू उसी के मकाम पर नहीं बैठा हुआ Allah के लिए गौर लो, अल्लाह के लिए सोच लो फितना और बीमारियां आजाब है, है, करती है। रसूल जो अल्लाह जमीन पर उतारता है कभी ये आ जाती है कभी अल्लाह इनको उठा लेता है इबन माजा में है रसूल ने फरमायान की जमात पांच खसलतें ऐसी हैं अगर तुम अगर तुम इनमें मुबतला हो नुकसान उठाओगे और मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि तुम इनमें मुबतला हो वो पांच चीजें कौन सी हैं जब किसी कौम में जिनाकारी और बदकारी आम हो जाए, जब जिना और बदकारी आम हो, जिस कौम में नाप तोल में कमी हो जाए जिस कौम ने अपने माल से जकत को रोक ले फिर आसमान वाला अपनी बारिश को रोक लेता है और अगर धरती पर जानवर ना हो अल्लाह की यह बारिश कभी भी ना बरसे जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से किए हुए वादों को तोड़ दिया अल्लाह उन पर बाहर से दुश्मनों को मुसलत कर देता है जिस कौम के हुक्मरान किताब उल्लाह का निफास नहीं करते अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम पर अमल नहीं करते अल्लाह उस कौम के दरमियान खाना जंगी करवा देता है ये गुनाहों के नुकसान हैं आइए जरा देखें गुनाह तो बड़े हैं इस धरती पे कौन कौन से गुनाह हैं खतरनाक गुनाह उन गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिरक है मुझे माफ कर देना मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन कुर्बानी की खाले इकट्ठी करने के लिए नहीं आया चंदों का सवाल करने के लिए नहीं आया आपकी और अपने दिल में अल्लाह की तोहिद की गैरत को झंझोड़ने के लिए आया इस धरती पे सारे गुनाहों के अंदर सबसे बड़ा गुना अल्लाह के साथ शिरक है इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अला अलाउन बी कबायर सबसे बड़े गुनाह की तला तुम्हें ना दूं मेरे प्यारे हबीब ने तीन मरतबा कहा अल्लाह के नबी खुलना बला या रसूल अल्लाह कहा अल्लाह के नबी बताइए सबसे बड़ी हलाकत वाली चीज सबसे बड़ा गुनाह क्या है रसूलुल्लाह रसूल ने फरमाया अल कु अल्लाह के साथ शिरक और इसकी कुछ किस्में ऐसी हैं जिसके करने वाले इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाते हैं और शिरक हमारे माशरे के अंदर जैसे हैजे की वबाई मरद फूटती है वैसे फूटा हुआ है मुल्तान के रहने वाले जानते होंगे जिस चौक में से गुजर जाओ कोई ना कोई वहां पर सवा लाख वलिया डेरा है ना ये मदीना तो लवलिया है हर गली के अंदर हर चौक के अंदर अल्लाह की इबादत में गैरों को शरीक किया जाता है और इस शर की खतरनाक किस्मों में से सबसे बड़ी जो हमारे माशरे में आम है कब्रों की पूजा कबरों में दफन नेक लोगों के बारे में ये खीदा रखना यह हमारी जरूरतें पूरी कर देते हैं यह हमारी मुसीबतें डाल देते हैं इनको मुश्किल में पुकारा जाए मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं नाद अली मजहर सयी अदर उसको पुकारा जाता है उसको पुकारा जाता है और हालांकि ये पुकारना इबादत है जो हक किसका है वह कबार <रब्थुक्त> ये रब का फैसला है अल्लाह इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए अल्लाह के न पुकारा जाए कोई नफा नुकसान नहीं मोहम्मद करीम ने अपनी बेटी से कहा था रज त्याते जो जी चाहता है माल में से उठा कर ले जा बेटी अमल करना

चंद अशार लिखते हुए मुखातब करते हैं सुनिए तुम हो ए मोहम्मद खास महबूबे खुदा हिंद में हो नाइब हजरत मोहम्मद इमदाद को फिर खौफ किया आसरा दुनिया में है अजबस तुम्हारी जात का दुनिया में सिर्फ तेरी जात का आसरा है तुम सिवा औरों से हरग कुछ नहीं है अल्तजा बल्कि दिन मर के जिस वक़्त काज़ी हो खुदा आपका दामन पकड़कर ये कहूंगा बरमला नूर मोहम्मद वक़्त है इमदाद का जिस मौके पर रसूलुल्लाह ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल कर लेना ए उम्मत के लोगों कहीं ये ना हो ऊटने तुम्हारी गर्दनों को दबोचा हो तुम तलाश करते हुए आओ और कहो अल्लाह के नबी हमारी मदद कीजिए मेरा एक ही जवाब होगा तो शरीयत बता कर आया था मैं तो पहुंचा कर आया था इसी किताब का सवा किताब मदनी कुतुब खाना बैरून गेट मुल्तान से सवा छियासी पे कहते हैं एक बार मुझे मुश्किल पेश आई हल नहीं होती थी मैं बैतुल्लाह में आया हतीम में खड़ा हुआ 360 सौ साठ तीन सौ साठ बैतुल्ला में किनको पूजा जाता था तीन सौ साठ बुत थे थे तो औलिया के लेकिन बुत थे इमदादुल्ला कहते हैं मेरी मुश्किल हल ना हुई बैतुल्ला में आया और आकर मैंने कहा तुम तीन सौ साठ कम या ज्यादा औलिया अल्लाह यहां रहते हो एक गरीब की एक मुश्किल भी हल नहीं कर सकते कहा मैंने तीन सो साठ बुतों को पुकारा मेरी मुश्किल फौरन हल हो गई वो मुश्किलें जो अल्लाह हल करता है आज ये उम्मत गुना होके गंद के अंदर कैसे गिर चुकी है मालिक अज्जा अजल को छोड़कर गैरों को कैसे पुकारती है ये हमारे हाथ में कुलयात इमदादिया है इन्हीं हजरत मुहाजर मक्की साहब की सारी किताबों को इकट्ठा किया गया इसके अंदर इसका सफा नंबे सफा नंबर नब्बे है जरा सुनिए अल्लाह को छोड़कर कैसे गैरों को पुकारते हैं रसूल के नाम मुनाजात करते हुए कहते हैं या रसूल किबरिया फरियाद है या मुहमद मुस्तफ़ा फरियाद है तहरुल कादरी से क्या लड़ाई है गले मिल लो कम अज कम एक फिरका तो खत्म हो जाएगा या रसूल है कि फरियाद है या मुहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है आपकी इमदाद हो मेरा या नबी हाल अबतर हुआ सख्त मुश्किल में फंसा हूं आजकल मुश्किल कुछ फरियाद है नबी में मुश्किल में फंसा हूं और मेरी मुश्किलें टालने वाले आप हो मुश्किल कुछ मेरी मुश्किल कुशाई कर दो मेरे हालात ठीक कर दो ये हमारे हाथ में तीसरी किताब है आमदी इमदादिया इसका सफा नंबर पैंसठ है सफा नंबर पैंसठ पर किस तरह ये गैर उल्लाह से ताल्लुक जोड़ते हैं और किस तरह उम्मत को ये किताबें लिख कर गैरुल्लाह की पूजा की दावत दी जाती है कहते हैं थाना भवन की मस्जिद के सामने मियाँ जी रहम ने हाजी साहब से दो बातें फरमाई थी कहने लगे मेरा इरादा था तुमसे मुजाहिदा और रियासत लूँगा लेकिन अल्लाह की मशीयत के सामने चारा नहीं मरने लगे हैं अब मुरीद रोता है और फिर कहते हैं फिक्र ना करो फ़कीर मरता नहीं है सिर्फ एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करता है फकीर की कबर से वही फ़ायदा होता है जो उसकी जिंदगी ज़ाहरी में उसकी ज़ात से फायदा होता है जवाब में मुरीद कहते हैं फिर मैंने इमदादुल्ला के मरने के बाद उसकी कबर से वही फायदा उठाया जो मैं उसकी जिंदगी में उठाता रहा पीर मर चुका है कबर में दबर हो चुका है लेकिन मुरीद को तालीम दी जा रही है हाजी इमदादुल्ला मुहाजर मक्की साहब को के फिक्र ना करो कबर में दफन होने वाला मरता नहीं है वैसा ही फायदा मिलेगा जैसा जाहिरी जिंदगी में मिलता था मुरीद भी कहता है पीर तो मर गया दफन हो गया लेकिन मैं उससे वही फायदे उठाता रहा जो जाहिरी जिंदगी में उठाया करता था जनाजा साहब ने क्या कहा था अल्लाह मकफिरले हइये ना वाह वइये मैयत कहा तो मरदा मुर्दा हो जाएगा ना अगर ये जिंदा था मरने के बाद वही फायदा देता था इसने अस्तंजा क्यों क्यों नहीं कर लिया था इसने कपड़े उतार के कफन की चादरें खुद क्यों नहीं पहन ली थी ये वो शिर के अकबर है इस वक्त गुनाह तो बहुत हैं लेकिन गुनाहों में हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा गुनाह जो हमें हलाक कर रहा है हम पर अबाब उतर रहे हैं वो शिर के अकबर है ये हमारे हाथ में एक और किताब है अरवासा उम्मत अशरफ अली थानवी साहब की किताब 169 इसका पेज नंबर है आइए जरा यहां भी देखिए कि वो किस तरह अपने पीरों और फकीरों से उनके मरने के बाद मदद की उम्मीदें रखते हैं कहते हैं झुंझाना में एक साहिब कश आए हजरत मियाँ जू के मज़ार पर हाजिर हुए बाद में उन्होंने बड़े अफसोस के साथ कहा किस जालिम ने हजरत मियाँ जी को सैयद महमूद के पास दफन कर दिया ये अपने उस्ताद के अदब की वजह से अपने अनवार करामात को रोके हुए अगर ये किसी वरान्य में होते इनकी कबर से वो नूर निकलता दुनिया जगमगाती अगर फितने का डरना होता मैं इस मुर्दे की हड्डियों को निकाल के कहीं और दफन कर देता फिर देखते इसकी खबर से क्या बरकत और अनवार निकलते हैं ये मरने के बाद कबरों के अंदर

काई जहूर हुआ। किया थी कि की कबर की मट्टी जाकर अपने जिसम से बांध लेता खाके की बड़ी पुरानी चल रही हैं जो ये मट्टी बांध लेता उसका बुखार उतर जाता कहा इतना मशहूर हुआ इधर कबर पे मट्टी डालते उधर लोग उठाकर ले जाते जब बड़े परेशान हो गए इनके बड़े बेटे आए अपने बाप की कबर पे खड़े हुए और कहने लगे हजरत आपकी करामत हो गई हमारे लिए मुसीबत हो गई इधर मट्टी डालते हैं लोग पैराडो समझ के उठाकर ले जाते हैं आप नीचे से दवाइयां इंजेक्शन डाल रहे हो अंदर शिफा की पुड़ियां छोड़ रहे हो हम रेड़ियां डाल डाल के मर गए सुनो किसको सुना रहा है जो दफन होते वक्त अस्तंजा ना कर सका किसको सुना रहा है जो यतीम बच्चों को चुप ना करा सका कहा सुनो अगर अब किसी ने आपकी की, की मट्टी बांधी और उसका बुखार टूट गया नंगे पड़े रहोगे हम नहीं डालेंगे बुढ़ा डर गया अंदर ही इरादे खतरनाक है बड़े गुस्ताख बच्चे हैं उन्होंने फौरन अपनी शिफा वाली साड़ी पुड़ियां बंद कर ली हकीम अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं उसके बाद लोगों ने बड़ी मट्टी उठाई लेकिन पैना डाल के डिस्प्रीन का भी फायदा नहीं हुआ फिर लोगों में मशहूर हो गया पहले ठीक होते थे अब ठीक नहीं होते ये वो बीमारी ये वो गुना ये वो शिर की अकबर आइए कुरान को सुनते हैं इबादुन तुम जिनको अल्लाह को छोड़कर पुकार रहे हो वो तीन हो जिनको इमदादुल्ला मुहाजर मक्की ने पुकारा या अशरफ अली थान हो या इमदादुल्ला हो या ननोतवी हो या याकूब हो या हजमेरी हो अजमेर वाले हो मुल्तान वाले हो लाहौर वाले हो वाले हो जिनको तुम पुकारते हो कुरान कुरान को कुर्ण के अल्फाज पे गौर कीजिए इन तदून जिनको छोड़कर अल्लाह को छोड़कर अल्ला छोड़ जिन्हें तुम पुकार रहे हो इबाद होबादुल बंदे दे पुत्र ने तो थे वर्गे ये मुश्किल कुछ नहीं ये हाजत रवा नहीं ये मुख्तियार नहीं ये शिफा नहीं दे सकते इबादुन जैसे तुम आदमी हो वैसे ये इंसान है तुम जैसे है इसी तरह जहां ये गुनाह के काम फैल रहे हैं कब्रों के ऊपर गैरुल्लाह के नाम की मन्नतें दी जाती हैं, नजरों न्याज देने वाला कहते हैं, पीर शाह जमाल कुल पुर्गा तेरे लिए बेटा मेरे लिए मरने के बाद इसने अंदर जाके बच्चे देने की फैक्ट्री खोल कितना कुफरिया है मैंने अगर हुसैन के नाम पे इसकी किसकोल में के एक रुपया भी डाल दिया तो जिंदगी भर की इबादतें बर्बाद हो जाएंगी हुसैन गैर हु की की नजरों न्याज कबरों से धागे बंधे हुए तावीज़ बंधे हुए ताले बंधे हुए बुल्ले शाह की बेरी के नीचे चादर बिछाओ मन्नत मानो बकरे की चादर बिछाओ बेर गिर गया बेटा पत्ता गिर गया बेटी और मैं इजाफा कर दूं, अगर तिनका गिरा तो खुसरा पैदा होगा क्या हैं ये गैर उल्लाह से मन्नत है। ये गैर उल्ला के सामने रोना ये गैर गैरुल्लाह से सवाल करना ये वो गुनाह है जिन गुनाहों की वजह से धरती पर मुशरकिन पर अज़ाब उतरा करता है और आज इस कौम पर इसीलिए अब आ रहा है गैर अल्लाह के नाम रूप नाम पर जानवर दिबा किए जाते हैं हालांकि हुक्म है अहले ईमान को फसल रब्बी का वन रुकू अल्लाह के लिए सज्जा अल्लाह के लिए नमाज अल्लाह के लिए तो कुर्बानी भी अल्लाह के लिए अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह को छोड़कर गैर के नाम पे जानवर को विवाह करता है नजर देता है उसका खून है उस पर अल्लाह की लानत बरसती है जादू सीखना और करना और करवाना यह गुना हमारे माशरे में फैलता जा रहा है इसी तरह हादसा समाना के अंदर सितारों का अमल दखल फला के हालात बड़े खराब हैं भाई क्यों अजय मौलवी साहब उनका सितारा गर्दिश में है यह आम जुमला है संडे मैगजीन उठाइए इंडिया पाकिस्तान के पूरा उसके अंदर आधा पेज छपा होता है आपका यह हफ्ता कैसे गुजरेगा सितारे ये बोलते हैं हाथ की लकीरें यह बोलती हैं हाथ यह बताता है सितारों में कायनात के अंदर निजाम चलाने की कुत समझने वाले ये वो धंधे हैं जो इंसान को गंदगी के अंदर और गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह शिर्क में ले जाते हैं और क्यों ना ले जाएं कि मौलवी तालीम ही ये देकर गए ये हमारे हाथ में बहुत बड़े हजरत की किताब है तजकिरातुर रशीद रशीद अहमद गंगोही साहब की इसका सफा नंबर 300 है अब 300 सवे पर देखिए वो कैसे कैसे तावीज दे रहे हैं ये देखो ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये 2 4 6 8 5 7 जी ये इलम है इसके जरिए से बड़ी खैर होती है अब ये दो चार का मंत्र बना के ये नक्श बनाया कहा घर के अंदर जहां भी जादू हो कुछ हो इस तावीज को वहां लगा दो और फिर इसके नीचे कहफ, और फिर उसके कुत्ते का नाम लेकर नीचे लिख दो तुम्हारे घर से सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी वकील बुहम खित उन सब का नाम लिखो उसके कुत्ते का नाम लिखो हैं मुसीबतें टल जाएंगी रसूलुल्लाह फरमाते हैं मन फ़कद अशरक जो तावीज लटकाता है और यहां पर गंगोही साहब अपनी किताब के सवा तीन सौ पर ये दो चार पांच सात के जादू के तावीज लिखकर अपने मुरीदों को पहुंचा रहे हैं ये घरों में लिख लिख कर लगा लो तुम्हारे घर से जादू खत्म हो जाएगा इसी तरह सुनिए एक और है कहा अगर कोई मसला ना हल हो रहा हो सफा तीन मोहब्बत के लिए कोई काबू करना हो किसी को करना हो या करनी हो तो गंगोही साहब पूरा सिस्टम दे रहे हैं इश्क मशूकी का कहा हुब के लिए एक बार आपने ये अमल भी किया बिस्मिल्लाह सल्लल्लाह पिसरे मोहम्मद हाथ तेल मुंह चिकना बैठूं सर ढाऊं थक बांधूं ठाकर बांधूं बांधूं सगरा गानू मेरान जम्मन जत्ती यूं कहें हुन मोहन मेराऊं नाऊं बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इकतालीस बार पढ़ो जिसको पढ़ के दोगे पीछे लग जाएगी ये क्या धंधा है हजरत रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं इन रुखो वी शिरकुन मोहब्बत के मंत्र भी शिरक है और ये मंत्र है ये मंत्र है जो लोगों को दिया जा रहा है कि ये पढ़ पढ़कर तुम किसी को फूंका मार दो उधर फूंका मार दो और जिसको मारोगे महबूब आपके कदमों के अंदर मांगो जो मांगना है पूछो जो पूछना है ये वो ये वो शिर के धंधे हैं और सिर्फ ये इन्हीं पर नहीं रुकता ये हमारे हाथ के अंदर हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब का बहिशती इसका हिस्सा नंबर नौ हिस्सा नंबर नौ का पचानवे सफ़ा हिस्सा नंबर नौ पे पचानवे सफ़े पर यही धंधा सिखाते हैं जरा सुनिए लेकिन सुनना और सुनकर इसके खिलाफ नफरतें पैदा करना कहीं आजमाने ना लग जाना है क्योंकि गुनाह में जो शामिल होगा वो उन्हीं की पार्टी में शामिल हो जाएगा ये पचानवे सफे पर वही तावीज लिखा है आठ एक छ तीन पांच सात अच्छा आज तक आपने तावीज सुने होंगे जिब्राइल, मेकाइल हसन हुसैन फातिमा मोहम्मद ये सुने होंगे एक नई किस्म का तावीज सुनो आठ एक के कहते नीचे फिर हामान शाद नमरूद इवलीस इन सारों के नाम लिख के गले में डाल लो क्या होगा मुसीबत टल जाएगी दुख नहीं आएगा आसे भाग जाएगा इसको लपेट कर मरीज को सूंघा दो मरीज को पहना दो इसी तरह ये आगे हमारे शेख बैठे हैं आप इनसे मजीद पूछ सकते हैं नमाज के बाद ये कुरने पाक को उल्टा लिखना अल्लाह ने लिखा बिस्मिल्लाह अल्लाह की तरफ से कुरान से बिस्मिल्लामान रहीम ये जादूगर उल्टा लिखते हैं पहले अर फिर अर्रहमान फिर इसमें जला फिर बिस्मिल्ला ये देखो ये कुरान की तोहन करते हैं कुरान की तोहन कर रहे हैं कहीं यूं उल्टा लिखा हुआ कहीं यूं क्रास में उल्टा लिखा हुआ और ये सारा कुछ लिख कर कहते हैं कि आप इसको मरीज के गले में डाल दो शिफा हो जाएगी क्या ये तालीम रसूल की तालीम है क्या ये वही तावीज गंडा नहीं जिसके बारे में रसूल ने फरमाया मंताल्ला का तमिल तनफरक जो तावीज लटकाता है वो शिर करता है और कहीं इस कुरान की तोहिन की जाती है कि ये आयत लिखकर नाफ के नीचे बांध लो ये राम के नीचे बांध लो क्या कुरान इसलिए आया है कोई सोचने वाला सोच सकता है मौलाना साहब वैसे ही गर्म हो रहे हो कुरान शिफा नहीं है जब कुरान शिफा है तो लिख के बांध भी लिया जाए तो क्या हार है मैं कहता हूं जिस अल्लाह ने कुरान को शिफा कहा है उस अल्लाह ने शहद को शिफा नहीं कहा शहद भी शिफा है ना किलोदी बोतल लाके गलज पालो लोग पूछे भी शायद गंज क्यों पाया कहता चवला कुरान से आया शायद शिफा है तो मैं गल च पाया शिफा हो जाएगी अकलमंद कहेगा बाबा इसको खाओगे पियोगे तो शिफा है कुरान पढ़ोगे तो शिफा है आगे सुनिए ये कहते हैं अगर किसी को कोई तकलीफ हो तीन दिन तक उसको ये नक्श बनाया है हजरत जी ने उस नक्श पे नाबतली आब शोध ललत भरमी बरकत खचूरी हैं ऊपर 786 नीचे बटे बानवे सात सौ छियासी का है कहा जी आप नहीं समझते ये मार्फत की बातें हैं ये हमने शार्ट कट में बिस्मिल्लाह का सात सौ छियासी निकाला है हम कहते हैं अगर ऐसे चलना शुरू कर दो तो अल्लाह अकबर को भी गिन लो पचास हो जाएगा तो नमाज शुरू करने आओ पचास सात सौ छियासी दो हजार बारह तीन सौ एक सलाम फेरते चार सौ बीस चार सौ बीस घर निकल लो नमाज बोरी हो गई ये धंधा है ये कारोबार है ये तावीज फरोशी है जिस पे उम्मत को लगाया जा रहा है अगर इसी को लेकर बैठूं तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा ये वो तावीज़ फरोशी है जिसकी मौलवी अपनी किताबों के अंदर तालीम देकर जाते हैं और रसूल सल्लासम ने तो पहले ही फरमा दिया जो तावीज़ फरोशी जो तावीज़ लिखता है लटकाता है तावीज़ लटकाने वाला उसी की तरह वा इलाई उसी के हवाले कर दिया जाता है इसी तरह बदशकूनी और फाल लेना तोते रखे में है छोटा सा पिंजरा है बोर्ड लगाकर बैठा है इस्लामी फालनामा आकर पूछता है मेरी शादी कब होगी तोता पर्ची निकाल के बता देता है, है, है।, है कसमें खाना और यहां पर भी मुशरिक ऐसे जालिम है चोरी की कसम उनसे उठवाओ कि तुमने नहीं खाई चोरी नहीं की अल्लाह नाम की झूठी कसम उठा लेगा पीर के दरबार की कुंडी खोलने के लिए तैयार

वो हमारी मस्जिद में हदीस में आता है सहाबा के दौर में ये दो चीज़ें खाकर कोई मस्जिद में आता तो सहाबा उसको पकड़ कर कब्रिस्तान बकी के पास छोड़ कर आते लसन और प्याज हलाल है या हराम हलाल है या हराम अभी मगरिब की नमाज होने वाली जेब में हाथ मारो किस किस के सिगरेट की डब्बी है वो लहसन और प्याज खा के आए तो उन्हें मस्जिद से निकाल दिया जाए और हम उधर अजान हो रही इधर खड़ा भाई क्या जल्दी है वो नमाज़ खड़ो नहीं मैं सूटे लाड़वा दो वो खींच रहा है और जाकर फिर नमाज शुरू करता अल्लाह अकबर अब वो पढ़ रहा है उसके मुंह से बदबू निकल रही है पड़ोस में खड़ा हुआ शायद दिल में इसके लिए बदवाए कर रहा है किस मुसीबत के पड़ोस में आ गया हूँ बदबूदार चीज खाकर मस्जिद में आने ये गुनाह है औरत का बगैर उजर के तलाक मांगना ये बीमारी भी हम ये गुनाह भी आम है थोड़ी सी नाराजगी दे तलाक है मंदेदा पुत्र थे दे तलाक है मर्द तो दे तलाक उसकी जज्बात को और और उभारना कि ये दे तलाक ये गुनाह है इस तरह तलाक मांगना गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में मिलना औरत से हाथ मिलाना औरतों से हाथ मिलाना और हमारे यहां जो थोड़े से स्टेटस हाई हो जाता है इधर खुद खड़े हैं इधर किसी और की बीवी आगे वो खड़ा है इसकी बीवी उसके साथ इसकी बीवी इसके साथ इसकी बीवी इसके साथ और कहते हैं जी मिलिए ये हमारी मोहतरमा जोजा मोहतरमा वो कहते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी बब्बे खुशी नहीं होगी तो क्या होगा अहले ईमान उनकी खैरत ऐसे होती है सहाबी घर में आ रहे हैं बेगम दरवाजे पे खड़ी है नेजा उठाते हैं वो कहती सबर कर अंदर का मंजर तो देख ले मैं बिस्तर से वैसे नहीं भागी बिस्तर पर तो एक सांप बैठा है अहले ईमान अपनी औरतों को बेपर्दा बाहर निकालते हुए बर्दाश्त नहीं करते और दयूस बेगम को तैयार करके पांडा मार्केट में छोड़ के घर आ जाते आप अच्छी तरह शॉपिंग करके आ जाएं। जो शॉपिंग आप कर सकती हैं वो मैं नहीं कर सकता और बेगम भी वो कहती है तो कपड़ा लेना ही नहीं आंद सारी शॉपिंग तो मुझे करनी आती अल्लाह की बंदी अगर तूने ये कपड़ा अपने खामिंद को पहनकर दिखाना है तो जैसा इस गरीब भले आदमी को पसंद आ गया पहन के दिखा दे और अगर तूने गैरों को दिखाना है तो अपने ईमान की खैर मना औरतों के साथ तनहाई में मिलना औरतों से हाथ मिलाना औरतों का बेपर्दा बाहर निकलना और खुशबू लगा के गैर मर्दों के पास से गुजरना वसल्लम ने फरमाया जो औरत खुशबू लगा के निकलती है उसकी खुशबू गैर मर्दों तक पहुंचती है फाह या जानिया तुन तुन जानिया और आजकल कोई मेकअप का आइटम रहा ही नहीं जिसमें खुशबू ना हो हर चीज खुशबू में है तो अपनी औरतों को रोक के रखो बग़ैर महरम सफर करना औरतों का बारीक और तंग नेट का लिबास पहनना बारीक लिबास पहनना जिससे उनका जिसम हजरत आयशा के पास कुछ औरतें आई बारीक लिबास पहने हुए आपने फरमाया अगर तुम मोमिना औरतें हो तो ये लिबास ना पहनो और अगर तुम मोमिना नहीं हो तो जिंदगी के चार दिन के मजे ले लो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए अल्लाह हमें जिंदा रखे ईमान पर रखे अल्लाह मौत दे तो पे दे और अल्लाह जजाय खैर दे ममलकत सऊदी अरबिया के हुक्मरानों को जिन्होंने हम लोगों के लिए जो यहाँ पर दाल रोटी कमाने के लिए आए दीन समझने के प्रोग्राम हमारे सामने पेश कर दिए अल्लाह उन्हें भी जजाय खैर दे अल्लाह गवर्नर मक्का को जजाय खैर दे और अल्लाह मकतब दावा है सलामा को जजाय खैर दे और इस खैर के कामों में जो जो आगे बढ़ रहे हैं अल्लाह उनको जजाए खैर दे आकिल भाई को आकिल भाई के साथियों को इस टीम को ये स्पेशल वर्दी पहन के घूमने वाले अल्लाह इनकी नेकियों को कबूल फरमा और क़्यामत के दिन भी इनको नक अता फरमा और याद कर लो यहां पर आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ जो जितना खैर के लिए मेहनत करेगा उसके लिए उतनी अजीम खुशखबरी है सही मुस्लिम में हजरतुरारा का कौल है जन्नत के अंदर एक हूर है जब चलती है उसकी सत्तर हजार उसकी खूबियां हुसन की उसके दाएं और बाएं तरफ चलती हैं और वो कहती क्या है ना ही अनिल मुनकर मुझे उस आदमी के लिए पैदा किया गया है जो नेकी की दावत देता है बुराई से रोकता है तो इस पैगाम को इस पैगाम को जो मकातब दावा केदर ये फैल रहा है ये ना समझो कि मशाइ का, का, का काम है उलमा का काम का है ये आपका और मेरा काम है किस्तों के जरिए किताबों के जरिए सीढ़ियों के जरिए जुड़ जाइए मिल जाइए इस दावत को लेके चलिए और यहाँ पर मैं अपने शेख अब्दुल्ला बहावलपुरी बहावरपुरी का वो जुमला नकल कर दूं, फरमाया करते थे लोगों, अपनी उंगली पे गिना करो तुमने क्या कमाया है हम कहते शेख कमाने से मुराद क्या है कहा कमाने से मुराद ये है तुम्हारी दावत के जरिए कितने लोग हैं जो अल्लाह की तोहद की तरफ आ चुके हैं जितने लोग तुम्हारी अल्लाह की तोहिद पे चले होंगे क्यामत के दिन उनकी नेकियों का अंबार तुम्हारे पढ़ने में होगा अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह हमें दीन की खिदमत करने की तोहफी अतः फ़रमा दे अल्लाह हमें जिंदा रखना ईमान पे मौत देना तो इस हाल पे तू हमसे राजी हो हम तुझसे रावी हो अकुल कवलीफ फिर फ़िरफोरा जजा खैर हज़रा अभी आप समत फरमा रहे थे फजीलत शेख रहमान को अल्लाह रब्लम शेख को जजाय ख़ैर अत फरमाए और जिन शिरक़ अमाल का तस्कर यहाँ हुआ है अल्लाह रब्लम हमारे घरों को उससे पाक रखे और बल्कि जिन घरों में ये शिरक़ पाया जाता है हमें तोफ़ी दे कि हम अपने पैगाम से अल्लाह रब्लम उनको वहाँ से निकालने की हमें तोफ़ी हो और हम इस लायक बने कि वहाँ वो जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे भाई बहन इस फितने में जो मुल्व हैं अल्लाबीन उनके दिलों को साफ़ और पाक करने का हमें ज़रिया बनाए अब चूँकि सवाल जवाब की नशस्त इन शह तौर मग़रब की नमाज़ के बाद होगी और इनामात भी आपके सामने रख दिए गए हैं इनामात भी इन शमाज़ के बाद ही आप लोगों को दिए जाएंगे कोपन्स जिन लोगों ने अभी नहीं जमा किए हैं वो कोपन्स वॉलेंटर्स को दे दें और साथ ही जो सवालात लिख कर आए हैं या सवाल लिख रहे हैं वो भी वॉलेंटियस को दे दें और जो हज़रा जिनकी वज़ू जिन्होंने वजू बनानी है वो वजू बना लें अब इनशा ताली मग़रब की नमाज़ के बाद प्रोग्राम का आगाज़ होगा जजाक रसनज़ा इनशा मग़रब की नमाज़ के बाद मुलाकात होती है तशाह में उंगली को बार बार हिलने का क्या हुक्म है उनकी चार बीवियाँ हैं आप अपने रब का जिक्र जो है अपने दिल में करते रहिए के में नाम है ये भी गलत है का जो घर है उसको बीवी का घर करार दिया आ, सवाल यह है कि ख्वाब में नूरुद्दीन मोहम्मद जंगी को सवाल यह है क्या हर रात को सूर्य वाक की तिलावत करना फाका कशी से निजात का जरिया है वमा बीनी भाइयों और बहनों असलाक वरहमत ला वक्त आपका भाई मोहम्मद आकिल नूर टीवी की जानब से आपका खैर मकदम करता है खुश आमदेद कहता है हज़रा ये बात आज किसी से मखफी नहीं कि इस वक्त दीन इस्लाम को अपनों और बेगानों की तरफ़ से तरह तरह के चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है एक तरफ़ जहां दुश्मनाना ने इस्लाम इस्लाम को बदनाम करने और उसकी तालीमत को मस्क करने की पुरजोर मुहिम छेड़े हुए हैं वहीं कुछ मुस्लिम फ़िरक़े इस्लाम की तलीमत को ख्त मश्क बनाए हुए हैं शिरक बिदात से लेकर अंध तकलीद पीर परस्ती, कबर परस्ती ताजिया परस्ती आस्ताना परस्ती और अहाम खुराफा तावीज़ गंडों की तालीम व तलकिन पूरे जोर शोर से कर रहे हैं बाज टी वी चैनलों के प्रोग्राम जो बदकस्मती से इस्लामी चैनल माने जाते हैं अगर आप मुलाजा करें तो आपको उनकी खतरनाकी और दिनों अकीदे के लिए उनकी जहरनाकी का बखूबी अंदाजा हो जाएगा हजरात इन चैनलों की बिलावास्ता जद इस्लामी अकायद पर पड़ रही है ऐसे में उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी और बढ़ गई है और इस्लाम को अंदरूनी और बैरूनी हमलों से महफूज रखना आज एक अहम फरीजा बन गया है टी वी जो शहरों और कस्बों में आज हर घर में मौजूद है हद तो ये है कि जिन घरों में छत सलामत नहीं रोज़ी रोटी का मसला नहायत ही संगीन है और अफराद तालीम याफ्ता नहीं ऐसे घरानों में भी टी वी चैनल के ज़रिए शर फैलाई जा रही है और टी वी उन घरों में भी मौजूद है हजरात मीडिया के इस तरक् याफ्ता दौर में मुस्कबिल में इसमें इजाफ़े की ही उम्मीद है ऐसे में अंदरूनी वैरूनी हमलों के दिफा के लिए इंसानों खूस मुसलमानों तक इस्लाम की सीधी सच्ची और किताब सुन्नत से मुद बात पहुँचाने के लिए किसी ऐसे टी वी चैनल की ज़रूरत महसूस की जा रही है जो शिरक बेदात को बेनकाब करने के लिए वजूद में आए इन्हीं मकासद के हसूल के लिए हमने दिल्ली में एक नूर वेलफेयर ट्रस्ट कायम किया है और हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा की हिदायत के लिए इस्लाम के साफ़ और शफाफ चेहरे से गर्द वबार साफ करने के लिए अपने घरों को बदअदगी पर मबनी प्रोग्रामों से निजात देने के लिए राशि मा कराम की तकारख्तल अदावीन पर वी सी डीज के जरिए तैयार कराई जाए और उन्हें मुख्तलिफ वसाइल और ज़राए अबला के जरिए आम किया जाए हजरा हमने इसीलिए नू टीवी के नाम से काम का आगाज भी किया है ताकि मुस्तकबिल में हम आप तक खैर लेकर उसी तरह पहुँच सकें जिस तरह आज आपके घरों में शर दस्तक दे रही है हम आपकी खिदमत में इस पैगाम के जरिए ये दरख्वा लेकर हाजिर हो रहे हैं कि अगर आप हमारे नजरियात से मुत्तफिक हैं तो इन तकारीर को जो नूर वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए आप तक पहुँच रही हैं बर करम नशर करने में ताउन फरमाएँ अपने घरों में इलाकों में केबल नेटवर्क के जरिए इन पैगाम को आम कीजिए और दुनिया के सबसे बड़े झूठ शर्क का मुकाबला करने के लिए माशरे में बेदारी पैदा कीजिए एक शख्स भी अगर आपकी जद्दोजहद से हिदायत याफ्ता हो गया तो मुमकिन है हमारी शायद बख्शिश का वही जरिया बन जाए हम आपके कीमती मशवरों और ताउन के मंतजर हैं हमसे रहा करने के लिए बराह करम इन पतों को नोट फरमा लीजिए नूर वेलफेयर ट्रस्ट 26 सिक्स ए डी डी ए माता सुंदरी रोड न्यू डेली जद्दाव महम्म आकिल फोन नंबर जीरो फाइव जीरो फोर 686317 محمد عاقل at hotmail.com m o h a m m e d a q -I l at hotmail.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدعوة نور وضاء تجدو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا الدعوة نور والله تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبنى عبر الازمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسوله